लगातार फिल्मों में व्यस्त रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन फिल्मों से दूर जा रहे हैं। अरे आप कुछ गलत मत समझिए, क्योंकि फिल्मों से दूर जाने का मतलब है कि वो छुट्टियां पर जा रहे हैं। अपना ज्यादातर समय कैमरे के सामने बिताने वाले रवि किशन 15 दिनों की छुट्टी पर विदेश जा रहे हैं। रवि अपनी छुट्टियों की शुरुआत सिंगापुर से करेंगे और यहीं पर वो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में भी शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें साउथ की एक फिल्म के लिए नॉमिनी बनाया गया है। दरअसल रवि को तेलुगु फिल्म किक 2 के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेशन मिला है। वैसे सिंगापुर के बाद रवि मलेशिया की खूबसूरत वादियों में भी घूमने जाएंगे। इन देश में कुछ दिन बिताने के बाद रवि इंडोनेशिया के बेहद सुंदर द्वीप बाली की भी सैर करेंगे। बाली की खूबसूरती को नजदीक से महसूस करने के बाद रवि थाईलैंड होते हुए 15 जुलाई को वापसी करेंगे और आते ही काम में जुट जाएंगे। 15 जुलाई को वतन वापसी के बाद रवि छोटे पर्दे के एक शो की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले इस शो में रवि बतौर एंकर नजर आएंगे। वहीं शो की शूटिंग खत्म होते ही रवि अपनी पहली कन्नड़ फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। वैसे हाल ही में रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म सहनशाह की शूटिंग पूरी की है। इससे पहले रवि एक और भोजपुरी फिल्म में जय रघुवीर के भी पहले चरण की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। यूं भी ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है जब रवि किशन शूटिंग से 15 दिन का गैप ले रहे हैं। बहरहाल रवि हिंदी, भोजपुरी और तेलुगु फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि वो खुद को और परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। खैर, कई देशों का भ्रमण करने के बाद रवि रिलैक्स होकर एक बार फिर से फिल्मों में बिजी हो जाएंगे। न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।